श्रीपति मिश्रा पुलिस अध्यक्ष देवरिया ने लोगों से अपील की कि आसपास के क्षेत्रों में बच्चा चोरी की घटनाएं अफवाह चरम पर हैं। इसी शक में निर्दोष आदमी पर भी बच्चा चोरी के शक में भीड़ द्वारा पिटाई की जा रही है, जो कि गलत है और पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। आगरा पुलिस ने शहर में हो रही तबड़तोड़ चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। चोरों के पास से पुलिस को कई LED TV और नकदी भी बरामद हुई है। पिछले 15 दिन से सर्किल कोतवाली क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में चोरियां काफ़ी बढ़ गई थी। इसी संबंध में रात्रि गश्त के दौरान 3 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनसे जो ताला तोड़ने के यंत्र और शटर उठाने के यंत्र बरामद किए गए। उनकी पूछताछ से पता चला कि वो रात्रि में भी और सुबह के टाइम में जब दुकानें बंद हो जाती थी तब ताला तोड़कर शटर उठाकर चोरियां करते थे। उनके पास से 2 LED और 8,000 के समथिंग रुपये बरामद हुए हैं, लेकिन तीनों लोग जो पकड़े गए हैं उनका काफ़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है उनकी। शाहबाद के सैफनी स्थित मदरसे व मस्जिद के सामने मेन मार्केट के रास्ते में लगभग 1 बीघा जमीन में 20 वर्षों से कूड़ा पड़ रहा था। कई बार स्थानीय प्रशासन द्वारा कूड़ा उठाने के आदेश जारी हुए, उससे उठाने की बजाय और कूड़ा बढ़ता गया, जो कि काफ़ी तादाद में एकत्रित हो गया। एक बार फिर जिला अधिकारी की शिकायत होने के बावजूद कूड़ा उठाने का काम शुरू हो गया। प्रधान जी, जो ये 20 साल से लगभग कचरा 20 बस्ती में मार्केट में है, इसके क्या वजह है जो आज तक आज नंबर आया इसका उठने का? माननीय DM साहब अभी पिछले दिनों में सीफनी के भ्रमण पर आए थे। लोगों ने माननीय DM साहब से कचरे के बारे में बताया तो माननीय DM साहब ने उसको हटाने का आदेश किए और इसी वजह से वो कचरा कल हटवा दिया गया। कुछ आज हट रहा है और कुछ कल हटेगा। काफ़ी बड़ी तादाद में कचरा पड़ा था वहाँ तो वो हटाया जा रहा है। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के एक वकील ने मंगलवार रात को 2 बजे अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों का कहना है कि उनकी लंबे समय से मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शरद यादव ने सुसाइड कर लिया। हाँ, लाइसेंस हथियार है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में न्यू बहरी में कोटादार पर लोगों ने राशन वितरण में धांधली करने का आरोप लगाया है, जिस पर जिला पूर्ति अधिकारी सप्लाई अफसर को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं मीडिया ने जब जिला अधिकारी महोदय से पूछताछ की तो वे बात को टालते हुए निकले।